आज हम केमिस्ट्री का एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। फार्मूला बनाने के लिए जो सबसे हमें जरूरी चीज पता होनी चाहिए वो है कुछ कॉमन रेडिकल्स और उनकी वैलेंसीज। ये आपके सामने कुछ कॉमन रेडिकल्स जो हम डेली यूज करते हैं या डेली यूज में आते हैं वो लिखे हुए हैं अलोंग विद देयर वैलेंसीज, जैसे कैल्शियम सिंबल CA और वैलेंसी +2। इसके बाद सोडियम, जिंक और नेगेटिव्स में हमने यहाँ पे लिखे हुए क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्राइड वगैरह। रेडिकल्स में एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि केमिकल फार्मूला बनाते हुए रेडिकल्स का जिस तरह मैंने चार्ज और सिंबल लिखा, इसका साइन लिखा, उसमें आप अगर जैसे इधर है +3+, आप अगर +3 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं होगा। जैसे फेरिक है Fe3+, इसी तरह आप इसको अगर चाहें तो आप इसे +3 भी लिख सकते हैं, तो कोई उसमें मसला नहीं होगा, वो एक ही चीज़ है। अब रेडिकल्स देख लेने के बाद हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकल फार्मूले को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं। तो केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन है कि इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। और जैसे कि एग्जाम्पल इधर लिखी हुई है सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला है NaCl। इसके बाद आगे हम केमिकल फार्मूला बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में ये मेजर 3 स्टेप्स हैं, जिसमें हम किसी भी चीज़ का केमिकल फार्मूला बनाने के लिए पहले उसके सिंबल्स लिखते हैं, उसके बाद उनके चार्जेस या वैलेंसीज जैसे अभी आपको दिखाएं, और उसके बाद उनके फिर चार्जेस को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेप्स देखने के बाद मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा, जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम बना सकते हैं। पहली एग्जाम्पल जैसे इधर लिखा है सोडियम क्लोराइड NaCl, हम देखते हैं कि इसका फार्मूला कैसे बन सकता है। तो पहला स्टेप है, हमें चाहिए इसके सिंबल्स। तो सोडियम का सिंबल Na और क्लोरीन का सिंबल या क्लोराइड का सिंबल Cl है। दूसरे स्टेप में हमने इनके चार्जेस इनके टॉप पे लिखने हैं। तो सोडियम का चार्ज टेबल में देखा था हमने, वो है +1, और क्लोराइड का चार्ज है -1। ये हो गए 2 स्टेप। तीसरे स्टेप में हमने शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस करनी है। शिफ्टिंग किस तरह से होती है कि एक एटम का, आयन का जो चार्ज होता है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे एटम के बॉटम पे, और दूसरे एटम का जो चार्ज है वो शिफ्ट हो जाता है पहले एटम के या आयन के बॉटम पे। अब चार्जेस करते हुए 2-3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है शिफ्ट करते हुए, वो ये है कि एक तो चार्जेस जब शिफ्ट होते हैं तो उनके साथ प्लस और माइनस का साइन शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ नंबर शिफ्ट होता है। दूसरा, चार्जेस अगर इक्वल हो तो वो क्रॉस हो जाते हैं, उन्हें नहीं लिखा जाता। और अगर वो यूनिटी हो, वन हो, यानी जैसे इस केस में 1 है, ये भी 1 है, तो 1 को भी नहीं लिखा जाता, कंसिडर नहीं किया जाता। मसलन इसको जब शिफ्ट करेंगे, अब देखें सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1, तो ये इक्वल भी है और 1 भी है, तो ये शिफ्ट नहीं होगा और चार्ज जो फार्मूला है वो सिंपल बन जाएगा NaCl। अब ये इस एग्जाम्पल में देख लीजिए शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस के, जैसे ये मैंने शिफ्ट किए चार्ज, तो जैसे आपको बताया कि इक्वल भी है और यूनिटी, तो अगर दोनों आयंस का चार्ज इक्वल हो तो भी नहीं लिखा जाएगा, और अगर यूनिटी हो तब भी उसको नहीं लिखा जाता और फार्मूला इसका बनेगा है। दूसरी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे है फेरिस क्लोराइड, इसमें भी वही 3 स्टेप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इनके सिंबल्स, फेरिस का सिंबल है Fe, क्लोराइड का सिंबल अभी पीछे लिखा पहले एग्जाम्पल में Cl। दूसरा स्टेप इनके चार्जेस, फेरस का चार्ज होता है +2 और क्लोराइड का -1। अब वही तीसरा स्टेप जब शिफ्टिंग करनी है, तो ये वाला जो इसका चार्ज है ये पहले दूसरे एटम के बॉटम पे आ जाएगा, और ये वाला चार्ज पहले आयन या एटम के बॉटम पे आ जाएगा। अब देखिए इधर, जैसे आपको पहले बताया था आपने साइंस को चेंज शिफ्ट नहीं करना, सिर्फ नंबर को शिफ्ट करना होता है, तो फार्मूला बनेगा Fe। क्लोराइड का जो चार्ज है वो 1 है, यूनिटी है, उसको हम नहीं लिखते, जबकि आयरन का जो चार्ज है वो आ जाएगा इधर बॉटम पे FeCl2। तो इस तरह ये फार्मूला बन जाएगा FeCl2। एग्जाम्पल हमारे पास है फेरिक सल्फेट का फार्मूला बनाना, वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इनके सिंबल्स लिखते हैं, आयरन का सिंबल Fe और सल्फेट का सिंबल होता है SO4। इसके बाद इनके चार्जेस,
आयरन का चार्ज, फेरिक का चार्ज +3 यहाँ पे, और सल्फेट रेडिकल का चार्ज होता है -2। अब जब इन हमने चार्जेस को शिफ्ट करना है तो ये इधर शिफ्ट होगा इसके बॉटम पे, और ये वाला जो चार्ज है सल्फेट का ये शिफ्ट होगा आयरन के बॉटम पे। अब इस केस में ना ये इक्वल है ना ही ये यूनिटी है, तो चार्जेस शिफ्ट होंगे और इस तरह से शिफ्ट होंगे कि आयरन के बॉटम पे आ जाएगा सल्फेट का 2, और सल्फेट को लिखने के बाद हमने 3 शिफ्ट करना है। अब 3 को शिफ्ट करने के लिए अगर आपके पास ऐसी चीज़ हो जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स है ऑलरेडी, तो उसके लिए हम बॉटम पे चार्ज नहीं लिखते, पहले बार ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर हम उसका चार्ज शिफ्ट करते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा फेरिक सल्फेट। व्यूअर्स, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए एक पॉइंट माइंड में रख लीजिए कि केमिकल फार्मूला हमेशा एक पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल में बनता है। हम 2 पॉजिटिव रेडिकल्स और 2 नेगेटिव रेडिकल्स के दरमियान केमिकल फार्मूला नहीं बना सकते। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको केमिकल फार्मूला बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।